समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, दो बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, सब्र और उम्मीद। इन दो शब्दों में ही जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। इस कहानी के माध्यम से इन दो शब्दों के महत्व को समझते हैं। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आपका अपने चैनल सतवीर ऑफिशियल में स्वागत है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी कहानी कथा स्टोरी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दर्शक बंधुओं, गांव बड़ा गांव में राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम प्रसाद मेहनती किसान था और अपनी जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी थी। उसका जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती और उसका परिवार खुशहाल था। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेतों में पानी की कमी हो गई और फसल सूखने लगी। राम प्रसाद ने सोचा, अगले साल सब ठीक हो जाएगा, बस इस साल का नुकसान सहन कर लेते हैं। लेकिन अगले साल भी बारिश नहीं हुई। लगातार दो सालों की खराब फसल ने राम प्रसाद को कर्ज में डुबा दिया। गांव के दूसरे किसान भी इसी समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन राम प्रसाद की स्थिति सबसे बुरी हो गई थी। अब राम प्रसाद के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया। कर्ज देने वाले लोग रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाते और पैसे मांगते। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, क्यों चिंता करते हो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक दिन यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। राम प्रसाद दिन रात मेहनत करता, कभी गांव के सेठ के खेतों में मजदूरी करता तो कभी शहर जाकर छोटा मोटा काम ढूंढता। लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपना कर्ज चुका सके या परिवार को अच्छी तरह पाल सके। वह हर रात सोचता, क्या मेरा जीवन इसी तरह खत्म हो जाएगा, क्या मेरे बच्चों को भी इसी गरीबी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन राम प्रसाद के पास एक साधु आए। उन्होंने उसकी हालत देखी और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो। राम प्रसाद ने साधु को अपनी सारी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो, सब्र और उम्मीद। समय कितना भी बुरा हो, सब्र रखने से सब ठीक हो जाता है और उम्मीद रखने से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। साधु की बातों ने राम प्रसाद के मन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा पैदा की। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब से और मेहनत करूंगा और हर परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। राम प्रसाद ने कर्ज चुकाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने खेतों के एक हिस्से में ऐसी फसल बोई जो कम पानी में भी उग सकती है। इसके साथ ही उसने गांव की छोटी मोटी सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कर्ज देने वाले भी अब उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे थोड़ा समय देने लगे। 3 साल की लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद राम प्रसाद की स्थिति में सुधार आने लगा। उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपने खेतों में फिर से हरी भरी फसल लहलाने लगी। अब वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लायक हो गया था। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, देखा मैंने कहा था ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अगर हम सब्र और उम्मीदों का साथ काम करते रहें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ। अब समझ में आया कि साधु बाबा ने क्या कहा था, जब तक हमारे पास सब्र और उम्मीद है तब तक हम किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। राम प्रसाद की यह कहानी यह बताती है कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सब्र रखना और उम्मीद बनाए रखना, ये दो बातें हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते और सब्र के साथ मेहनत करते रहते हैं, तब तक कोई भी बुरा समय हमें हरा नहीं सकता। दर्शक बंधुओं, आपको यह कहानी कथा स्टोरी कैसी लगी,
यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आप ऐसी ही कहानी कथा स्टोरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी कहानी कथा स्टोरी डालें तो सबसे पहले आप देख सकें।